रांची के परवेज अंसारी नाम के एक मजदूर की अहमदाबाद में मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मजदूर परवेज की मौत भूख, टीबी की बीमारी और किडनी में समस्या होने की वजह से हुई है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अधूरी ही रह गई। दरअसल बीते दिनों परवेज का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसे घर पहुँचा दिया जाए। अहमदाबाद में रबारी कॉलोनी में रहते हैं। 28 सेकंड के इस वीडियो में वो अपने घर जाने के लिए मदद की मांग कर रहा था। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि परवेज के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। इसी वीडियो के जरिए पूरा मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन परवेज को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इस मामले में डॉक्टरों ने बताया है कि परवेज टीबी से पीड़ित था और उसका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज के भाई तौहीद अंसारी ने बताया है कि अगर उसका भाई रांची में होता तो बच जाता, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो घर नहीं आ पाया। तौहीद ने ये भी बताया कि जब वो अस्पताल में था तब उसकी परवेज से बात हुई थी, तो वो बता रहा था कि 3 दिन हो गए हैं और एक बार उसे ऑक्सीजन लगाया गया है और कोई दवा नहीं दी गई है, उसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा और खाना नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मौत के बाद परवेज की मिट्टी की रस्म अहमदाबाद में एनजीओ चांदनी फाउंडेशन ने पूरी की और वीडियो कॉल के जरिए उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी मिट्टी की रस्म देखी। न्यूज़ डेस्क।